इस वक्त हम लोग मौजूद है सिलीगुड़ी के एक प्रतिष्ठित अपार्टमेंट में, ग्रीन वैली अपार्टमेंट में, जो कि अपर भानुनगर में मौजूद है। एक ऐसी अपार्टमेंट जहां पर वर्षों से यहां पर लोग रहते हैं सभ्यता के अनुसार, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, एक दो दिन पहले से यहां पर कुछ जो भी रूम के बाहर जो भी एक्सटीरियर पार्ट है उनको बनाया जा रहा था, और जो भी कर्मचारी है वो धरने पर फिलहाल बैठे है। और क्या कुछ घटनाएं हुई यहाँ पर, हमारे साथ एक मैनेजर यहाँ के मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप शर्मा है। क्या हुई थी एक्चुअली यहाँ पर? हुआ था, हम लोग का जो सोसाइटी का इलेक्ट्रीशियन है वो करीबन हफ्ता 10 दिन का घटना है, तो वो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रीशियन को दिया था जिसका पर जिनका फ्लैट है, उन्होंने नया यहाँ पर फ्लैट लिया है लेने। शिव कुमार शास्त्री। कितने दिन पहले उन्होंने फ्लैट लिया? मोटा मोटी आपका पकड़ लीजिए महीना डेढ़ महीना ऐसे हुआ। अच्छा। फ्लैट लिया है, फ्लैट लेने के बाद वहाँ पर हम लोग का जो इलेक्ट्रीशियन है सोसाइटी का, उसको बुलाया। बुलाने के बाद बोला है मेरे को इलेक्ट्रीशियन चाहिए काम करने के लिए, तो बोला था हम तो सोसाइटी में काम करते हैं, हम तो दे नहीं पाएंगे आदमी। अच्छा। तो हम तो काम नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, जो मेरा कोई पहचान का है उसको हम दे देंगे। अच्छा। तो उनको वो दे दिया। देने के बाद उसी ने कुछ मतलब घटना किया होगा, किया नहीं किया हमको पता नहीं है, वो भी उन्होंने इंजाम लगाया उसके ऊपर में, तार चोरी किया है। अच्छा। ठीक है, मकान मालिक के आरोप लगाया। हाँ, मकान मालिक के आरोप लगाया, तो तार चोरी किया है। ठीक है, तार चोरी किया, जो हम लोग का जो जिसने आदमी दिया उसका ऊपर ब्लेम लगाया है, तुम्हारा आदमी जो तुम दिया है वो तुम ठेकेदार हो, तुम्हारा जो आदमी है तार चोरी करके भागा है, मेरा 60,000 का नुकसान हुआ है, तुमको भरपाई करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, ये बात बोला है। उसके बाद में हम लोग स्टाफ सब थाना में बुलाया था, हम लोग को थाना में गया था। कौन सा थाना? बक्सीनगर थाना में हम लोग गया था। थाना वाला बोला है तुम लोग म्यूचुअल कर लो ये चीज़ को, क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तक केस नहीं हुआ है। तो हम लोग जाने के बाद फिर आ गया, आने के बाद हम लोग बोला है ठीक म्यूचुअल कर लेते हैं, म्यूचुअल भी नहीं हुआ। फिर दोबारा क्या हुआ, तो जितना हम लोग स्टाफ है सब तो स्टाफ में बैठा हुआ इसके लिए, जो कोई आपका 4 दिन हो रहा है आज लगे, तो उन्होंने बताया स्ट्राइक चल रहा है। तो आज का सुबह का बात है, आज सुबह में क्या हुआ, सोसाइटी का जो कमेटी है, कमेटी एक चिट्ठी लिख के दिया है जो आपका वहाँ पर अलीगल कोई काम हो रहा है तो उसको बंद कराइए। हम लोग स्टाफ सब लेके वहाँ पर गया उसको चिट्ठी को देने के लिए, इलीगल काम हो रहा था उसका, जो घर है घर से बरा के उन्होंने वॉल बनाया है, वॉल बनाया। ठीक है, तो उसके लिए सोसाइटी ने एक चिट्ठी दिया है, कमेटी चिट्ठी दिया है। तो चिट्ठी देने के बाद हम लोग चिट्ठी देने गया है उनके पास, तो उन्होंने था नहीं, उनका स्टाफ था कोई मैनेजर था, उनको देने गया था हम लोग। चिट्ठी में क्या लिखे थे? चिट्ठी में लिखा हुआ है जो आप जो जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसको आप इमीडिएटली आपका काम बंद कराइए, इसीलिए चिट्ठी में ही लिखा है। आपने उनको दिया वो ले लिए क्या? नहीं लिया चिट्ठी को, उनका उन्होंने नहीं था, उनका स्टाफ था, उन्होंने बोला है हम चिट्ठी नहीं लेंगे। अच्छा। फिर उनसे उनका स्टाफ उनसे फ़ोन में बात किया, फ़ोन में बात करने के बाद बोला है हम चिट्ठी नहीं लेंगे, हमको चिट्ठी देगा तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जब देगा तभी हम रिसीव करेंगे चिट्ठी को। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गया, आने के रिटर्न आ गया, आने के बाद फिर आधा घंटा बाद थाना से पुलिस आ, दो वैन पुलिस आया है। आने के बाद फिर हम लोग को जो संजय है इलेक्ट्रीशियन उसको थाना वाला बुलाया, पुलिस वाला बुलाया वहाँ पर, तो हम लोग गया। जाने के बाद में उसको पूछा है आप लोग दादागिरी करके उसका काम बंद करने आया है, ला हम लोग तो स्टाफ है, हम लोग सोसाइटी के जो कमेटी है, हम लोग को चिट्ठी दिया है आपको देने के लिए, जो ये है हम लोग काम बंद करने वाला कोई नहीं है, हम लोग तो स्टाफ है, वर्कर है, हम लोग क्या करेंगे, सोसाइटी जो परमिशन दिया है हम आपको देने आया है, आप नहीं लेंगे कोई बात नहीं है। थाना वाला बोला इसको उठाओ, दादागिरी करने आया, उठा के दोनों आदमी को हमको उठा के चला गया, हम लोग का एक मैनेजर को लेके गया, एक इलेक्ट्रीशियन को लेके गया। मैं कृष्णा चौधरी। हाँ, कितने साल से वो मैनेजर पद पे? मोटा मोटी आपका 3-4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 3-4 साल हाँ। से काम कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो आदमी हम लोग को लेके गया बिना मतलब का, कोई इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई बिना दोष का है, हम लोग तो वर्कर है, हम लोग को जो बोला जाएगा तो हम लोग वही करेंगे। कमेटी से आपको चिट्ठी दिया है, हम लोग चिट्ठी लेके उनको दिया है, इनका हम लोग का दादागिरी कैसे हो गया? तो जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आई थी, जो भी आपके मैनेजर वर्कर्स थे, तो उनके पास कोई कागजात थी अरेस्ट करने? ना, कुछ नहीं थी, उन्होंने कुछ लिखा है नाम किया है सब लिख के फिर लेके वो लोग चला गया। हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी ले चलो, बोला आप लोग गाड़ी में आइए, दो आदमी गाड़ी में जाएगा, फिर दो आदमी को उठा के ले चला गया। दो आदमी को लेके चला गया? कब लेके गए? आज सुबह में। आज सुबह कितने बजे? करीबन टाइम कितना होगा, 11:30 समथिंग ऐसे कुछ होगा। तो अभी आपने मकान मालिक से बोला ये सब, इस सब के बारे में? ना, उनसे बात नहीं हुआ हम लोग का। अभी आप ऊपर जा रहे हैं? अभी जहाँ पर घटना हुआ वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग।
तो आप कितने साल से इस लाइन पे काम करते हैं? 3 साल। 3 साल से तो यहाँ पे जो काम हो रही है इसके आप ठेकेदार हैं? हाँ, जो पेंटिंग का काम है, पॉलिश का काम है सबका। इसके जो मालिक है वो कहाँ है फिलहाल? फिलहाल तो अभी उनका तो घर कहाँ पर हम भी नहीं जानते हैं। तो हम वो जानते हैं, हम लोग वो आश्रम में रहता है सिल्का रोड में, कहाँ पर आश्रम है। उनका बेटा आ रहा है, उनको मैनेजर भी आ रहा है। हम कौन मैनेजर? जो रहते हैं जो पहचानते हैं, दिलीप दा। दिलीप दा? हाँ। संग्राम दे। संग्राम दे वो आ रहे हैं। और किन का बेटा रहे? उसका मालिक का बेटा आएगा कि नहीं जानते हैं, उसको बोल दिया आने के लिए बस। और यहाँ पे जब आपको पता है कि ये इलीगल टाइप से काम हो रही है? नहीं, वो सब तो नहीं यार, कुछ नहीं पता है। कुछ दिनों से जो यहाँ पे हल्ला चिल्ला हो रहा है आपको कुछ? हाँ, वो सब तो जानते हैं। हाँ, चोरी वोरी हो जाता है, सब तो बोल रहा है। उसके बाद दो लोगों को अरेस्ट करके ले पता है इलीगल टाइप से काम हो रहा है? इलीगल टाइप का तो वो सब नहीं जानते हैं। इलीगल हो रहा है, हम लोग को काम करना है, पैसा लेना है, हम लोग का ऐसे मतलब है। ओके, इलीगल हो कि नहीं रहा है तो देख नहीं रहा है। जब यहाँ से आपको पता चला कि इलीगल टाइप से काम हो रहा है फिर भी आप काम करवा रहे, तो आपको डर नहीं लग रहा है क्या? इलीगल का काम हो रहा है, हम लोग का काम है पेंटिंग करना, ऐसा इलीगल तो हम लोग नहीं जानते। तो आपको कुछ तो पता होगी ना, जब मैनेजर यहाँ के दो लोगों को अरेस्ट करके ले गए? उस हम भी था उधर, हम भी तो गया था उनके साथ, उधर लेके गया था हम भी था उधर। अभी थे? हाँ। अभी भी आप काम चालू रख रहे हैं? तो लेबर लोग को काम नहीं करेगा तो आप बिना फोकट का तो हाजिरा हम नहीं देंगे ना। हम भी मेरा ठिका में काम है, हमको तो काम करेगा, हम हाजिरा देना है। मैं तो मेरा को फोकट का तो कोई पैसा नहीं देगा, आप भी जानते हैं आपका घर काम के काम करने से तो नहीं देंगे ना। फिर फोकट में एक लेबर का हाजिरा तो हम कहाँ से देंगे? मेरा घर में तो पेड़ नहीं है जो मुझे झका देंगे, पैसा गिर जाएगा। तो आपके ओनर से जब बातचीत हुई तो आप उनसे पूछे नहीं, या फिर वो आपको नहीं बताए कि इलीगल टाइप से काम नहीं, इसको रोक दो? कुछ नहीं बोला है। कुछ भी नहीं? नहीं। वो क्या बोल रहे? वो कुछ नहीं बोला। सुबह आया, हमको देखा, मिस्त्री लोग को बोला ठीक है तुम लोग काम करो, उन लोग जो उन लोग का मेंटर है उन लोग समझ लेंगे। वही तो। हाँ, देखिए जिस इलेक्ट्रिशियन को लेके जाया गया था उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, रंजय जी, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था? क्या हुआ था? देखिए हमको तो पूरा बात पता नहीं है। मेरा भैया यहाँ पे 10-11 साल से काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये मैंने सुनने में आया था, जो यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो उसको दोस्त को एक काम दिया था, जैसे उसको बहुत काम था कर नहीं पाया तो इसके लिए दोस्त को काम दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है, उसके दोस्त को दिया है, काम भी किया है। तो अभी फिलहाल क्या हुआ, फटक से मैंने 2-3 दिन, एक हफ्ता पहले हम सुन रहे हैं ऐसा ऐसा बात है, वो सब नाम पे केस कर देगा। तो किस वजह से बोल रहा है? मेरा जो 20 कॉल तार चोरी हो गया तो इसी वजह से। तो वो बोल रहा है तो हम तो काम किया ही नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से सिक्योरिटी वाला को उस दिन बात किया, सिक्योरिटी वाला बोल रहा है नहीं, कोई तो ऐसा कुछ सामान लेके नहीं जाता है। यहाँ से जब भी कोई आदमी काम पे आता है हम लोग बैग चेक करते हैं, जब भी जाता है हम बैग चेक करते हैं, कोई भी ऐसा कोई बात नहीं है जो तार चोरी करके कोई लेके गया, कोई छेड़ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये सब बात मैंने सुना है, तो 2-3 दिन से अच्छा ही था। तो हमको उससे बात क्या उससे पता नहीं है। फिर जैसे आपका कल या परसों नोटिस दिया था ना, आज शायद वो लोग नोटिस देने के लिए गया था, तो इसलिए बोला है वो गुंडागिरी करने के लिए आया है, तो इसलिए मेरा घर से चोरी भी हुआ, गुंडागिरी किया, इसलिए अरेस्ट कर लिया। आपके भाई तो इतने सालों से काम करते थे, कभी भी ऐसी कोई घटना तो नहीं? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है उसका। मेरा घर में जाइए, कुछ किसी भी पूछिए, काम कर रहे यहाँ पे भी पूछिए, कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये आदमी सही नहीं है, आदमी सही नहीं। हम सुनने में आया है मुझे, जो कोई भी आदमी काम करता है ना उससे बहुत गाली करता है, ठीक है। और ये जैसे बहुत, जब भी कुछ भी बोलिएगा हमेशा बोलेगा जो पुलिस में पकड़ा देंगे, पुलिस को पकड़ा देंगे। अभी उसके घर में कोई भी काम कर चुका है सबको पूछिएगा, ऐसा ही बात है, सब बोलेगा जो मेरा तो पुलिस में दे देंगे, पुलिस में दे देंगे, ऐसे ही बात होता है हमेशा बस। और उनके बारे में आप क्या जानते हो जो ओनर? नहीं, उसका हम पहचानते भी नहीं, कैसा वो देखने में कैसा वो भी हम पता। अभी जस्ट हम मैनेजर को अभी देखा है मैंने, और मैनेजर भी धमकी दिया है, उसको बोला है तेरे को हम पकड़ के मारेंगे, तो क्लब में लेके जाकर मारेंगे, रास्ते में पकड़ के मारेंगे। उसका मालिक भी धमकी दिया है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं मेरे भैया को मतलब जेल थाना से छोड़ दे, और जो मालिक है उसका जो भी बात है यहाँ पर बैठ के बात करे सब मिलके, जो भी प्रॉब्लम है जो भी काम किया उसको लेके आएगा, सामने बात करेगा, जो भी होता है बात करे, हाल ठीक कीजिए जो भी है। अभी पुलिस थाना करेगा उतना तो हम लोग को ये नहीं है ना, थाना में लेके जाएगा, ये करेगा वो करेगा, अभी इतनी ही बात है बस। अभी मेरे भैया को मतलब थाना से लेके आइए, जो भी बात है यहाँ पर बैठ के सब बात करेगी। ये सेक्रेटरी है, यहाँ पर बहुत सारा आदमी है, झूठा है, एकदम झूठा है कि मेरे भाई को तो हम जानते हैं ना, एकदम झूठा है ये तो। आप भी मतलब कोई भी किसी बात के झूठा आपको ऐसे दिख जाएगा। देखिए यहाँ
यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के सिक्योरिटी, ग्रीन वैली अपार्टमेंट के सिक्योरिटी मौजूद है आनंद शेट्टी जी, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या घटना थी सर, क्या हुई थी, आप इतने पुराने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो भी आते हैं क्या सिक्योरिटी होती है उनकी? देखिए हमारे यहाँ पर दो गेट है, एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है, ठीक है। एंट्री गेट में जो भी विजिटर वगैरह आते हैं, कार लेकर आते हो, कुछ भी लेकर आते हो, हम उनका पूरा पर्पज वगैरह सब जानकारी लेके फिर उनका बकायदा विजिटर स्टे मेंटेन करके फिर तब उनको छोड़ते हैं। एंट्री गेट का काम हो गया ये। और एग्जिट गेट में तीन टाइप के लोग आते हैं, एक हो गया वॉकिंग वर्कर जो फ्लैट के अंदर में काम करते हैं, और दूसरा हो गया वॉकिंग विजिटर पर्सन जो विजिटर के रूप में आते हैं मीट करने के लिए, और तीसरा हो गया आपका मान लीजिए दूध वाले लोग आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या होता है कि जो वर्कर लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं बकायदा किसी भी फ्लैट में लेबर के तौर पर काम करने के लिए आते हैं, हम उनका बकायदा पहले प्रॉपर बैग चेकिंग करते हैं, वो लोग क्या क्या सामान लेके आते हैं, और फिर जाते वक्त भी प्रॉपर हम चेकिंग करते हैं क्या क्या सामान लेकर जाते हैं। अगर ऐसा कोई सामान हमको मिलता है उनके बैग में जो कि यहाँ से नहीं जाना चाहिए, उसके विषय में हम उनको उनके फ्लैट के ऑनर के साथ इंक्वायरी करके, मैंने फ्लैट का ऑनर अगर हमको परमिशन देता है हमारे फ्लैट से ये सामान जाना है काइंडली आप उसको छोड़ दीजिए, तब हम उनको छोड़ते हैं। बकायदा ऐसे कोई इनलीगल सामान हम यहाँ से जाने नहीं देते हैं। जो आरोप लग रहा है यहाँ से कि इलेक्ट्रीशियन से जो काम कर रहे थे कि उन्होंने चोरी की है तारों की, क्या कहेंगे आप? हम इसके विषय में ये कहते हैं, देखिए मैम बात ऐसा है कि मैंने जो ऑनर इसके विषय में आरोप लगा रहे हैं उस ऑनर को हम ये इतना ही कहना चाहते हैं कि जो सामान यहाँ पर उनके फ्लैट बनाने के लिए लाया जाता है, क्या उन्होंने हम लोगों को बताया कि भाई हमारा 28 कॉल जा रहा है, हमारा ये सामान जा रहा है, हमारा वो सामान जा रहा है? बकायदा सिक्योरिटी एंट्री के तौर पर अंदर आना चाहिए, विदाउट सिक्योरिटी एंट्री के तौर पर अगर उनके यहाँ पर आ रहा है, काम हो रहा है, कितना हमने वहाँ पर मैंने वायर रखा हुआ है, कितना क्या सामान है, ये तो सिक्योरिटी विदाउट नॉलेज का है ये, क्योंकि हम लोग को कोई ऐसा जानकारी नहीं दिया गया है कि मेरे यहाँ पर काम चल रहा है, मेरे यहाँ पर इतना माल है, इतना ये है, इतना वो है, ठीक है ना। तो इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि ये सरासर जो इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है ये हम विश्वास नहीं करेंगे। या फिर जिस वक्त निकल रहे थे वो जो इलेक्ट्रिशियन हैं, आप कभी देखे थे उनके बैग में कुछ ऐसी कुछ? देखिए मैं तो आपको बार बार कह चुका हूँ कि सभी का चेकिंग प्रॉपर होता है, इनलीगल कोई भी आइटम अगर किसी की बैग में से अगर हमको मिलता है तो उनके बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करके फिर यहाँ के रेसिडेंस के ऑनर से जानकारी प्राप्त करने के बाद उनका परमिशन लेने के बाद तभी हम छोड़ते हैं, बस इतना ही। जो यहाँ के ये मकान के ओनर थे वो कहाँ रहते हैं या फिर क्या करते हैं? देखिए जो मकान के ओनर हैं यहाँ पर जब शुरू में आए हुए थे तो हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है ये कौन है, नहीं खाली नाम सुने थे डॉक्टर शास्त्री है, इनका यहाँ पर फ्लैट बनने जा रहा है, इतना ही हमारे नॉलेज में था, बट उतना उनके साथ मेरा कोई इंट्रोड्यूस नहीं था, जस्ट हम एक सिक्योरिटी के तौर पर उनसे एक परिचय रखता था कि हाँ सिक्योरिटी हमको ये चाहिए, सिक्योरिटी हमको वो चाहिए, हमको वो सुविधा देते थे। जैसे कोई मैंने आदमी उनसे मिलने के लिए आता था, उनका कहना था कि कोई भी आदमी अगर हमको मिलने के लिए आता है तो आप मेरे काइंडली मेरे फ्लैट तक ला दीजिए, बस इतना हमारा काम था। बाकी जो भी वर्कर यहाँ एग्जिट गेट से आउट होते हैं उनका बकायदा चेकिंग करके ही होती है, चेकिंग करके छोड़ते हैं, और ऐसा पूरा सरासर हम तो सोचते हैं कि ये बेकार की बात है, बकवास की बात है, झूठ बात है। देखिए यही कि एक पुराने स्टाफ है सौरभ भवल जी, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मसले के बारे में विस्तार से। सर आपका जो देख रहे थे यहाँ पे पीछे बन रहा था उनका घर था, क्या नाम था उन मालिक का? उनका नाम डॉक्टर शास्त्री कुछ है, और आप जो घर देख रहे हो इसके सामने बरामदा रहता है, तो उन लोगों ने क्या किया, बरामदा पर घर बना दिया, तो इंडिगल है यहाँ पे इतना फ्लैट है कोई नहीं बना रहता। কি বলতে চাইবেন এটা নিয়ে, আর বলতে যাবো যে আমাদের তো সকালে লোক এসেছিলো আমাদের কমিটি থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছিলো যে কাজটা বন্ধ করার জন্য, বাট কাজ তারা বন্ধ করেনি, উল্টো তাদের দুজনকে ভুল কেস দিয়ে জেলে আমাদের আটকে রেখেছে তাদের, আর কোনো ঝামেলা হয়নি, মারপিট হয়নি, বাট তাও ভুল কেস দিয়ে জাস্ট একটা ফোনের মাধ্যমে ভুল কেসে তাদের জেলে আটকে রেখেছে, কিন্তু এখানে কোনো ঝামেলা হয়নি, কিছু হয়নি। কী কী নাম, কাকে কাকে নিয়ে গেছে? তার একজনের নাম হচ্ছে সঞ্জয় ইলেকট্রিশিয়ান, অনেকদিন ধরে এখানে আছে 12 বছর ধরে, একজনের নাম হচ্ছে কৃষ্ণ চৌধুরী, তো এরকম 5-6 বছর ধরে এখানে কাজ করছে। তো এখন আমরা চাচ্ছি যে যেভাবে ভুলভাল করে ফোন করে যেভাবে তাদের আটকে রেখেছে এটা বের করা হোক, কারণ কোনো পুলিশ যখন এসেছিলো কোনো কাগজপত্র কিছু আনেনি, একটা শুধু ডায়েরি নিয়ে এসেছিলো, নাম শুনে বললো চল আইসির সাথে কথা বলতে হবে, কিন্তু নিয়ে গিয়ে তাদের জেলে ভরে দেওয়া হলো, আমরা যেতে চাচ্ছিলাম, আমাদের গাড়িতে উঠালো না, বললো বাইক নিয়ে, তো যাওয়ার সময় তাদের জেলে আটকে দেওয়া হলো।
এখন কি চাইছেন আপনারা? এখন চাইছি যে ভুলভাল যে কেস দিয়ে তাদের আটকানো হয়েছে তাদের ছাড়ানো হোক, আর যিনি এইসব কাজ করছে সে সরি বলুক সবাই, কারণ তিনি হয়তো একটু নাম আছে তার, তারা পুলিশের সাথে ফোনে ফোনে কথা বলে উল্টোপাল্টা কেস বানিয়ে যে কাউকে জেলে ভরে দিতে পারে এরকম না। তো আমরা তো এখানে খেটে খাওয়া মানুষ, আমাদের এইভাবে যদি এত বছর ধরে কাজ করছি এইভাবে যদি কেউ নতুন কেউ এসে আমাদের আটকে দেয় এটা তো ঠিক না, সোসাইটির জন্য খারাপ, সবার জন্য খারাপ। আজকে আপনারা কি চাইছেন অন্তত? চাইছি যে কাজটা তো বন্ধ হোক প্রথমত, আর এখনো কাজ হচ্ছে, আর চাই না এরকম লোক গ্রিনভ্যালিতে থাকুক, তাহলে সবাই হ্যাম্পার হবে, আর এরকম লোক না থাকাই ভালো। এখানে যারা এসেছেন পুলিশ নিয়ে গেছেন দুজনকে, তারা কোনো কিছু এফআইআর কিছু নিয়েছেন? এফআইআর কপি কিছু আনেনি তারা, জাস্ট একটা ডায়েরি নিয়ে এসছে, তাদের নাম লিখলো, বললো চল আইসির সাথে কথা বলাবো, এটা বলে নিয়ে তাদের নিয়ে চলে গেলো, তারপরেই শুনছি নাকি তাদের লোকাবে ধরে দিল। আপনি এটা নিয়ে কি বলতে চাইবেন, মানে বিনা এফআইআর কি করে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলো? পুলিশ তো মিথ্যা কথা বলে নিয়ে গেছে, বলছে আইসির সাথে কথা বলতে হবে। তো আমরা বলছি ঠিক আছে, যখন কথা বলবে কথা বলে চলে আসবো। তো গিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পিছনে গাড়ি করে আসছি, আমরা যেতে যেতে ওদের লকআপে ভরে দেওয়া হলো। জাস্ট ফোনের মাধ্যমে সব কাজ হচ্ছে, যেহেতু একটু হয়তো সমাজে পয়সাওয়ালা লোক, তুমি ফোনে ফোনে পুলিশকে অর্ডার দিচ্ছে, পুলিশে কাজ করছে কোনো কাগজপত্র ছাড়াই। তা আপনি কি বলতে চাইছেন যে পুলিশ যে আছে টাকার সঙ্গে বিক্রি হয়ে গেছে নাকি? সেটা আমি পুরোপুরি কমেন্ট করব না, কিন্তু বলা যায় না, এখন ভেতর ভেতর অনেক কিছু হচ্ছে, আপনারাও জানেন এখন ভেতরে কী হচ্ছে, আমরা চোখে দেখছি, কিছু বলছি না এখন পর্যন্ত। জন্য আপনাদের ডাকা, আপনারা আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে জানানো যে এইসবও হয়, এই গ্রিনভ্যালি এত সোসাইটির ভিতরে এইসব হচ্ছে, এইসব উল্টোপাল্টা কাজ। इनसे पूछे ये थे एंडी, इनसे पूछे नहीं थे। ये तमाशा क्यों कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके पापा का ये फ्लैट है तो? हाँ। तो ये जो खरीद के रखे कितने दिन पहले खरीदे थे आपने इस फ्लैट को? हम ही जाने चार मास हुए थे, कुछ यहाँ पे झमेला की हमको जानकारी मिली है। आप थाने में जाने, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, एकदम आईसी बैठा हुआ है वहाँ पे, अभी मैं मिल के आ रहा हूँ, आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ पे जाके पूछिए सब डिटेल्स दे देगा। थाने में तो हम तो जाएंगे ही, आप जाइए ना। हम तो जाएंगे ही, आपसे पूछ रहे कि यहाँ पे क्या। अरे आप थाने में जाइए, आपके यहाँ से कुछ जो इलेक्ट्रिशियन है वो यहाँ पे कुछ तार चोरी करके ले गए हैं, और यहाँ पे आप इनसे पूछिए, इनको पता है। आप मेरा बात का सवाल का जवाब दीजिए। मैं कैसे दूंगा, मैं तो आज ही आया, था ही नहीं, मैं तो यूरोप में था, मैं तो आज ही आया हूँ। यूरोप से आ गए आप यहाँ पे? হে ভাই কে বোঝাও ভাই, আরে নেই কথা বলা বোঝাও, বোঝাও কে বোঝাও, না না বোঝাতে হবে তো, কথা বলো, বোঝাতে হবে। শুনে এসেছেন কি আজকে ঘটনা? শুনে এসেছি না, আজকে ঘটনা আমি ফেসেছিলাম। আচ্ছা, সকালবেলা 10টা সোয়া 10টার সময় এরা কিছু এখানকার যারা কাজ করে ভাইরা এসেছিলো, এসে বলছে এটা একটা লেটার আছে রিসিভ করো, যারা আমার কোনো অথরিটি নেই। আমি ভালো মতো বললাম ওই দিলীপকেই যে দিলীপ আমার কোনো অথরিটি নেই, আমি এটা রিসিভ করতে পারবো না। তো বললো ঠিক আছে। তো কৃষ্ণা কি হয় চৌধুরী, না কৃষ্ণা চৌধুরী নামে একজন আছেন এদের, সে আমাকে ধমকানো শুরু করলো, কাজ বন্ধ কর, এটা বন্ধ কর, ওটা বন্ধ কর, কেস উঠা। আর আমার এখান থেকে ইলেকট্রিশিয়ানরা তার চুরি করে নিয়ে গেছে, আর যেটার জন্য আমরা যেদিনকে লাস্ট ধরা পড়ে 14 তারিখে, সেদিনকে আমি এদের যে সুপারভাইজার দিলীপ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, দিলীপকে পর্যন্ত ফোন করা হয়েছিলো যে দিলীপ এসো, এখানে রেড হ্যান্ড ধরা পড়েছে, আর প্রেসিডেন্টকে ইনফর্ম করা হয়েছিলো, কেউ আসেনি। তারপরে 12-14 দিন আমরা ওয়েট করেছি, এসে যা আছে বুঝিয়ে দিয়ে তোরা চলে যা, 14 দিন আমরা অপেক্ষা করেছি, থানা থেকেও টাইম দিয়েছে, ওরা কেউ আসেনি, ওটা বরঞ্চ আমাদের প্রেশার করা হচ্ছে যে কাজ বন্ধ করো, আর আমরা এখানে কোনো মেনটেন্যান্স করবো না, আর যেখানে 1 বছরের মেনটেন্যান্স দেওয়া আছে এখানে। এবার আপনি বলুন, সোসাইটি থেকে কিন্তু বলা আছে ইললিগাল ভাবে এখানে ওয়াল তৈরি করা, কোনটা ইললিগাল আপনি বলুন যে কোথায় ইললিগাল কি হয়েছে? আপনি যখন সোসাইটি থেকে বলেছে, এক সেকেন্ড, সোসাইটি থেকে আপনাকে তো ইনফরমেশন করেছে, তো কোনটা সেটা দেখান না আমাকে। এই ওয়ালটা হচ্ছে বা অন্য যে কাজগুলো হচ্ছে সেগুলো বলা হচ্ছে, এখানে কোন এক্সটেরিয়র কাজ হচ্ছে সেটা ইললিগাল ভাবে হচ্ছে, কোনটা কোথায় বলুন, আপনি বলুন এখানে এক্সটেরিয়র কাজ, আমার শেড উপরেও শেড আছে, তাহলে ওটাও ইললিগাল, ওই পাশে আরও শেড আছে, দ্যাট মিন ওগুলো না ইললিগাল, কোনোটাই লিগাল না। তো আমি তো অন্যটা দেখে করতেছি, আমি 4 মাস হলাম, এখানে তো লোকের 14-14 বছর ধরে আছে, তো এটা ইললিগাল কোনটা হলো আপনি আমাকে বলুন। এখানকার সিকিউরিটি যারা লোকরা আছে তারা তো বলছে কোনো চুরি হয়নি, চুরি হয়নি, আমি নিজে ফোন করেছি, আমার বস ফোন করেছে, আর তার কল রেকর্ড লাগলে আপনাকে আমি পাঠিয়ে দেবো, আপনাদের মেল আইডি পাঠান বা ফ্যাক্স দিয়ে আমি আজকেই পাঠিয়ে দেবো। সিসিটিভি ফুটেজ কোনো কিছু আছে যে কিছু? আমার তো এখানে আমার তো এক্সটার্নালের কাজ হচ্ছে, আমি কারণ সিসিটিভি কোথার থেকে লাগাবো, সোসাইটির উচিত যে সিসিটিভি লাগানো, আর সোসাইটিকে যখন ইনফর্ম করা হলো প্রেসিডেন্টকে আর সুপারভাইজারকে, আসলোটা কেন প্লিজ কোশ্চেনটা করুন না, কেন এলো না, আমরা ফোন করিনি এই কথা বলতে পারবে, তো কল রেকর্ড বের করে দেখাবো, বলুক সামনে তো আছে, আপনি জিজ্ঞেস করুন না। সেটা আমি জিজ্ঞেস করেছি, আর আপনাদের কোনো লিখিতভাবে কোনো এফআইআর হয়েছিল? লিখিতভাবে হ্যাঁ, আমরা লিখিত এফআইআর করেছি।
এফআর কফি আছে আপনার কাছে না অফিসে আছে এফআর কফি তো পকেটে নিয়ে ঘুরবো না ঘুরবো কি তো রাখা উচিত সকাল সকালই হয়েছে আজকে আমাদের অফিসে শিলিগুড়ি যেখানে আমার অফিস আছে আমি সেই অফিসেরই কাছে আসছি যিনি মালিক তিনি কোথায় আছেন এখন আপাতত উনি হয়তো কোনো কাজে ব্যস্ত আছেন আসবেন উনি আসবেন অবশ্যই আসবেন আচ্ছা আপনি কে আমি হচ্ছে ওনার ছেলের সাথে কাজ করি ওনার ছেলের ফার্মে কাজ করি আচ্ছা আর কিছু ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ ইললিগ্যাল কাজ বলতে আমার কাছে চিঠি আছে কমিটি দিয়েছে চিঠি ঠিক আছে এটাতে আমি তো বলতে পারবো না ইললিগ্যাল না কি লিগ্যাল আছে কমিটি বলবে এটা ইললিগ্যাল না আনলিগ্যাল কাজ ঠিক আছে চিঠির মধ্যে লেখা আছে এটাতে আমি দিইনি চিঠিটা চিঠিটা দিয়েছে সোসাইটি থেকে যে কমিটি আছে উনারা দিয়েছে উনারা বলতে পারবে কি আনলিগ্যাল হচ্ছে আনলিগ্যাল হচ্ছে ঠিক আছে जैसे कि यहाँ के सिक्योरिटी के साथ और जो भी मैनेजर है और अन्य लोगों से साथ ही साथ हमें उस इलेक्ट्रिशियन के भाई से भी बातचीत की सभी का कुल मिला जुला कर यही कहना है कि जो ओनर है उनका जो मुख का भाषा है उनकी जो वाणी है वो उतनी शुद्ध नहीं है सभी से वो गाली गलौज देकर ही बातचीत करते हैं और दुर्व्यवहार उनके साथ करते हैं और आरोप उन पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने हज़ारों की तारों की चोरी की है ये तो रहा एक तरफा बात और उनके बेटे जो जिससे हमने बातचीत की एंडी उन्होंने अपना नाम बताया है और वे बहुत ही गुस्सा में थे और न जाने वो बात भी नहीं करना चाहते थे साथ ही साथ उनके साथ जो काम करते थे उनसे हमने फिर डिटेल्स में लिया तो उन्होंने कहा कि चोरी हुई है और इस मामले पर छानबीन होनी चाहिए और ऐसा वैसा उन्होंने कहा है लेकिन हम अगर बात करें तो सिक्योरिटी जो गार्ड थे उन्होंने बताया कि जो भी लोग आते हैं और जाते हैं उनकी बैगों की चेकिंग होती है और ये सब जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये सारे बेबुनियादी है यहाँ पर जो भी वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और जो भी लोग थे यहाँ पर हमने बातचीत की एक तरफ लग रहा है कि ये मामला पूरे तरीके से झूठ बताया जा रहा है तो वहीं जो मालिक पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि वे अपने काम को कर रहे हैं और ये लीगली है कोई भी कुछ भी इलीगल टाइप से नहीं है ये उनका कहना है फिलहाल हम चल रहे भक्ति नगर थाने की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर जो एक मैनेजर और एक इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के जबरन वहाँ पर जेल में डाला गया है और साथ ही साथ हम आईसी से भी बात करेंगे वहाँ के हमारे साथ ग्रीन वैली अपार्टमेंट के सेक्रेटरी नवीन गोयल जी मौजूद है ये इनसे बातचीत करते हैं तो अभी आपने अंदर गए आईसी साहब से बातचीत किया क्या बात हुआ मैम आज सुबह जो हमारे एक एम्प्लॉई है कृष्णा बोल के वो एक लेटर डिलीवर करने गया था हमारे ऑफिस के बिहाफ में वहाँ पे रैम्पेंट मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था कॉमन इलेवेशन वगैरह को सारा को बाईपास किया जा रहा था वो रिक्वेस्ट करने गया था कि आप ये जो काम कर रहे हो ये ग्रीन वैली रेसिडेंट्स को ऑब्जेक्शन है कमेटी को ऑब्जेक्शन है आप ये मत करिए उन्होंने लेटर लेने से रिफ्यूज़ किया फिर यहाँ से भक्तिनगर पीएस से हमारे जो एम्प्लॉई लेटर देने गए उनको ये बोला गया कि आप काम रोक रहे हैं बोल के उनको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लाया गया हम लोग अभी आए हैं ग्रीन वैली के सारे एम्प्लॉई रेसिडेंट्स वगैरह आए हैं हम लोगों ने हमारी एफआईआर दी है हम लोगों ने कंप्लेंट लॉज की है आईसी साहब से मिले आईसी साहब ने एश्योरेंस दिया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं आपकी सोसाइटी है वहाँ आप लोग इतने फ्लैट्स ओनर्स रह रहे हो हम लोग सारा कुछ देखेंगे उन्होंने हमारे जो एम्प्लॉई को लेके आए थे सुबह उनके नॉलेज में भी नहीं था उन्होंने उनको इमीडिएट रिलीज़ कर दिया है वो अभी हमारे साथ जा रहे हैं दोनों जन को नहीं एक सेकंड वाले जो है उनके ऊपर कोई पर्सनल एलिगेशन है वो संजय बोल के है हमारा इलेक्ट्रीशियन है ग्रीन वैली का वो उनके फ्लैट में कोई काम कर रहा था हालांकि उनका कहना है कि वो काम नहीं कर रहे थे उन्होंने किसी को काम करने के लिए वहाँ रखा था उसके अगेंस्ट में कोई उन्होंने थेफ्ट का एलिगेशन लगाया है तो उस एलिगेशन के अगेंस्ट में उन्होंने उसके बिहाफ में कोई एफआईआर की है थाने में उस एफआईआर के बेसिस पे उनको अरेस्ट करके थाना में रखा गया है डॉक्टर शास्त्री जी है उन्होंने चोरी के आरोप लगाए हाँ जी इलेक्ट्रिशियन हाँ जी हमारे जो ग्रीन वैली का इलेक्ट्रिशियन है उनके ऊपर आरोप लगाया है और हमारा ग्रीन वैली इलेक्ट्रिशियन का कहना है कि हमने कोई चोरी नहीं की है उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया तो हमने एक आदमी को कहा कि आप इनका इलेक्ट्रिक का काम कर दीजिए तो वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था लेकिन उसका घर भी दिखा दिया उन्होंने जो आदमी काम कर रहा था लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेके उन्होंने हमारा ग्रीन वैली का जो इलेक्ट्रिशियन है उसके ऊपर एक्शन लिया जिसके प्रतिरोध में हमारे ग्रीन वैली के जितने भी एम्प्लॉई है सब ने हमें चिट्ठी दिया है बोल रहे हैं कि हम लोग ग्रीन वैली का कोई काम नहीं करेंगे तो इसको लेके हम लोग अभी थाना में आए हैं तो उनको तो रिलीज़ किया नहीं गया है अभी हम लोग देखते हैं जो भी लीगल प्रक्रिया होगी वो फॉलो करेंगे वो जिनको छोड़ दिया उनका नाम क्या है मैनेजर जी ना? उनका नाम कृष्णा है कृष्णा चौधरी जी हाँ जी हाँ जी उनके ऊपर क्या एलिगेशन लगा कि उनको 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 ये बोला गया था कि ये उनका काम में बाधा दे रहा है वहाँ धमकी दे रहा है लेकिन ये खाली एक हम लोग के बिहाफ में एक लेटर डिलीवर करने गए थे वहाँ पे और जो वो बाउंड्री वॉल कॉमन वॉल जो तोड़ के उन्होंने इलेवेशन वगैरह को चेंज किया उसको इन्होंने रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे कि आप काम बंद कर दीजिए तो वो उनकी कुछ भी नहीं सुनी लेटर एक्सेप्ट नहीं किया और थाने में फ़ोन करके इनको फॉल्स केस में इम्प्लीकेट कर दिया
आपने अभी क्या एफआईआर दर्ज किया है? हमने एफआईआर यही दर्ज किया है कि हमारी वहाँ सोसाइटी है, हम लोग के 200 फ्लैट्स हैं वहाँ पे, अगर इस तरह से अगर हर आदमी अपनी मनमानी करेगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी। आप अपने घर के अंदर कुछ भी इंटीरियर करवाइए, कुछ भी चेंज करवाइए, सोसाइटी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप कोई इलेवेशन बिल्डिंग का चेंज करते हो, कोई कॉमन एरिया में एनक्रोचमेंट करते हो, वो बिना सोसाइटी के परमिशन, बिना रेसिडेंट्स के परमिशन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ 200 फ्लैट्स ओनर है। अगर सब अपनी मनमानी करने लग जाएंगे तो वो तो अनार्की हो जाएगी, वहाँ पे तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा। किसके ऊपर किए डॉक्टर? हाँ जी, हमने जो नया रेसिडेंट जो बोल रहा है, हमने फ्लैट परचेज किया है, उनके ऊपर हमने एक एफआईआर लॉन्च की है कि वो सारा रूल्स वायलेशन करके वहाँ पे रैम्पेंट सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जो हमारा कॉमन इलेवेशन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिशियन को कब तक कर रहा कर दिया जाए? हम लोग तो अभी वो इलेक्ट्रिशियन के, हालांकि वो इलेक्ट्रिशियन अपने पर्सनल लेवल पे काम कर रहा था, हम लोगों ने ग्रीन वैली से उनको डिप्यूट नहीं किया था वहाँ पे, और उनका भी यही कहना है कि मैं काम नहीं कर रहा था, मैं किसी लड़के को वहाँ पे काम के लिए रखा था, मैंने उस लड़के का घर भी दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद मेरे ऊपर क्यों एलिगेशन लगा रहे हो? लेकिन उसकी कुछ सुनी नहीं जा रही है, तो मैंने आईसी साहब से भी कहा तो वो बोले ये आपका पर्सनल मैटर, ये कमेटी का कोई मैटर नहीं है, इन्होंने पर्सनल लेवल पे वहाँ पे काम किया है ग्रीन वैली में और इनके ऊपर एक पर्सनल एफआईआर है, तो इसको हम लोग जो भी लीगल होगा हम लोग इसको देखेंगे, उनका यही कहना है। हाँ जी, और बाकी एज फार एज सोसाइटी इज़ कंसर्न, जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है गलत हो रहा है तो सर बोले जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे, आप भी देखिए और क्या लीगल ऑप्शंस है, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो क्या आप उस इलेक्ट्रिशियन को सपोर्ट करेंगे बेल करवाने में? मैम ऐसा है, अभी हमारे जितने भी एम्प्लॉई है ग्रीन वैली के, उन्होंने सीजेशन ऑफ वर्क की हमें चिट्ठी दे दी है, वो बोलते हैं हम हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है उसके साथ है, वो हमारे ग्रीन वैली में 9 साल से काम कर रहा है, तो सारे एम्प्लॉई ये बोल रहे हैं कि वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, तो हमें उन्होंने चिट्ठी एड्रेस किया है, तो हमको अभी देखना पड़ेगा कि हमारी तरफ से हम क्या कोऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे परमानेंट इलेक्ट्रिशियन है, हमारे इंडिविजुअल फ्लैटों में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन अभी तक उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे नॉलेज में नहीं आया है सोसाइटी में। इस वक्त हमारे साथ जो विक्टिम थे क्रिश चौधरी जी, वो हमारे साथ मौजूद है जो कि ग्रीन वैली के एक मैनेजर भी हैं। तो सर क्यों आपको अरेस्ट किया गया था सुबह? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 9-10 सालों से काम कर रहा हूँ ग्रीन वैली में, और आज तक हम लोगों का ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं था कि कोई पुलिस केस या कुछ भी आज तक ऐसा हुआ हो। बट आज सुबह जब हम लोगों को कमेटी की तरफ से एक लेटर आया कि आप लोग जाके इस कंस्ट्रक्शन को बंद करवाओ, तो एज ए ऑफिशियल स्टाफ हम लोग गए थे वहाँ पर, तो उनको सिर्फ ये बोला गया कि आप इस कंस्ट्रक्शन को आज के लिए या आगे आने वाले दिनों के लिए जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता आप इसको बंद करो। तो वहाँ से मेरे साथ बदतमीजी की गई सबसे पहले, उसके बाद जब उन्होंने लेटर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम लोग वहाँ से ऑफिस रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद फिर एक कॉल आता है उन लोगों का कि बताया जाता है कि आप लोग यहाँ पर आओ उनके घर के पास जहाँ पर उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ जाने के बाद हम लोग जाके देखते हैं कि पुलिस वाले बैठे हुए बहुत सारे, फिर पूछा जाता है, संजय को बुलाया जाता है, संजय से पूछा जाता है कि क्या हुआ, वो बताता है सारी बातें, फिर बोलता है मेरे तरफ इशारा करके बोला जाता है कि इन्होंने बदतमीजी की है, इन्होंने मेरे को धमकी दिया है। तो फिर जब वहाँ पे कुछ बात नहीं हो पाती फिर मेरे को थाना लाया जाता है, थाना ला के बिठा के एक होता है ना कि चलो बताते पूछते कुछ होता है। यहाँ पे मैंने देखा कि सबसे पहले मेरे से डायरेक्टली बोला जाता है कि तूने धमकी दिया है। मैंने बोला आप पहले बात तो कर लो ना सामने वाले से, क्या बात है नहीं बात है। वो डायरेक्टली बोला कि हाँ धमकी दिया, मेरे को बोलता अंदर डालो। उसके बाद अंदर डालने से पहले मेरे से बहुत कुछ बातें की गई, मेरे को एक होता है ना कि थ्रेटिंग टाइप का कि तुम इस झगड़े में नहीं पड़ोगे, तुम इस झमेले में नहीं आओगे, तुमको 6 महीने के लिए अगर पढ़ते हो तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये वो बहुत सारी धमकियां भी मिल रही है हम लोगों को पुलिस के तरफ से। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग तो संजय के साथ थे, संजय के साथ है क्योंकि आज से नहीं, हम लोग 10 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, तो आज तक किसी भी स्टाफ का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग कोई भी स्टाफ किसी प्रॉब्लम में फंसे। तो आप अभी क्या चाहते हैं और क्या उस वक्त सुबह जब वो आए थे पुलिस ऑफिसर जो भी, एफआईआर था उनके पास? कुछ भी नहीं था, और एफआईआर तो था नहीं, और दूसरा बात मेरे को अरेस्ट करने के आधे घंटे बाद एफआईआर बनाया गया, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी एफआईआर आया कहाँ से कैसे आया, उनके पास कोई पेपर भी नहीं था, वहाँ पर उन्होंने जाके बस नाम पूछा और अरेस्ट करके लेके आ गए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर शास्त्री और उनके बेटे जो भी लोग हैं वो अपने पैसे की या फिर अपने ओहदे के बल पर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे के पावर पे आज वो जितना भी, आज मैं यहाँ पे करीबन 8-9 घंटे जो अंदर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पैसे के पावर पे। अगर लीगली काम होता तो मैं इतने देर अंदर नहीं रहता, तो यहाँ पे सिंपली बोला जाए तो पैसे पे ही सब कुछ चल रहा है। और आप अभी क्या कहना चाहेंगे कि संजय जी अंदर है? संजय जी अंदर है तो वो तो गलत है, क्योंकि हम लोग इतने साल से देख रहे और 3 महीने से जो काम चल रहा था वो कोई और कर रहा था,
तो संजय का इसमें कोई हाथ ही नहीं है, और संजय वहाँ जाता तो नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, वो हमेशा सबका बैग चेक करता है। शास्त्री जी का कहना है कि 20 कॉइल तार जो है वो गया है, अगर जाता तो एक कॉइल भी तो गार्ड देखता ना, गार्ड सबका बैग चेक करता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है आज तक। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर सोसाइटी में कुछ भी होता है वो सबसे पहले ऑफिस की सोसाइटी जो हमारी ऑफिस है वहाँ पे वो कंप्लेन करेंगे, डायरेक्टली पुलिस को तो कंप्लेन नहीं, हमारे यहाँ कोई भी कंप्लेन नहीं आई है, ना ही हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को कोई कंप्लेन किया गया, डायरेक्टली पुलिस आके अगर करता है ये चीज़ तो एक सोसाइटी में गलत चीज़ है ना। तो आप इस पे जिम्मेदार शास्त्री जी और पुलिस को देना 100% शास्त्री जी तो है ही, साथ साथ पुलिस भी जिम्मेवार है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे, जैसे मैं एक आया हूँ यहाँ पे तो मेरे से कुछ क्वेश्चन करेंगे कुछ पूछेंगे, डायरेक्टली मेरे को बोलते तूने धमकी दिया इसको अंदर डालो, ये चीज़ मतलब तो गलत है ना, देने वाले को ही अंदर डाल देंगे आपका मतलब ये है? नहीं, अगर कोई शास्त्री जी के तरफ से आता है और बोलता है कि हाँ ये अगर आपको बोलता है कि आपने गलत किया इसको अंदर डालो, मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ है आज, ये आप महसूस, मेरा आज 9 घंटा बर्बाद हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, किसी भी इंसान के पैसे का या टाइम का बहुत वैल्यू होता है जो मेरा आज बर्बाद हुआ है। तो भक्ति नगर थाना में फिलहाल हम लोग मौजूद है और यहाँ पर सुबह के बाद, सुबह लगभग 11-12 बजे के बाद, अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं लगभग, तो इस वक्त 9 घंटे के बाद जो है जो एक मैनेजर थे कृष्णा चौधरी जी, उनको अभी छोड़ दिया गया है, जो सुबह उनको पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था और उन्हें अभी रिहा कर दिया गया, लेकिन जो दूसरे इलेक्ट्रीशियन हैं संजय जी उन्हें अभी तक रिहाई नहीं मिली है। और उनका कहना है, जैसे कि यहाँ के सेक्रेटरी साहब से हमने बातचीत की, और उनका कहना है कि उनका जो चोरी की आरोप उन पर लगाई गई है और उस चार्जेस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में ये मामला अब जाएगा। इन्होंने भी अपने तरफ से एक मामला दर्ज किया है, जो कि डॉक्टर शास्त्री बताए जा रहे हैं जो मकान मालिक है ग्रीन वैली में, जो एक प्लॉट लेके इल्लीगल तरीके से जो बना रहे थे उनके ऊपर इधर से ग्रीन वैली के तरफ से पूरे सदस्यों ने मिलकर इकट्ठा होकर एक FIR दर्ज किया है उनके खिलाफ, कि वो लीगल तरीके से जो काम कर रहे हैं इसके खिलाफ ही वो FIR किए हैं। तो अब रहा बात यह कि अब वो संजय जो है इलेक्ट्रिशियन, उनको कब तक रिहाई मिलती है, और इनका कहना ये है, जो चौधरी जी थे जिनसे हमने बातचीत की, जो मैनेजर थे उनसे हमने बातचीत की, उनका कहना ये है कि उनकी जो महत्वपूर्ण समय है वो उनका बर्बाद हुआ है, और इन सभी लोगों का कहना है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है चोरी का आरोप, ये बेबुनियाद है, ये बेफिजूल है और इसकी कोई महत्व नहीं है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर भी इन्होंने कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके से उन्होंने बिना किसी FIR के इनको गिरफ्तार किया है और इनको लेके आए थाने में और उनका बर्बाद किया समय। और जैसे कि चौधरी जी ने बताया कि यहाँ पर उनके आने के बाद कोई पूछताछ नहीं हुई है, और उसके बाद आधे घंटे बाद तकरीबन FIR यहाँ बनाया गया है, और वो FIR कहाँ से आया वो पता नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर हमने भी जब ऑफ कैमरा यहाँ के IC साहब से बातचीत करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि सर आप इस विषय पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने इस पूरे मसले को कहा कि हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। तो कुल मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि जहां एक तरफ अव्यवस्थित तरीके से किसी सोसाइटी के अंदर जब लोग रहते हैं तो उनकी जो रूल और रेगुलेशन होती है उनको मानकर चलना, उनके दायरे में रहना एक सही सुझाव होता है, ऐसा लोगों को करना चाहिए, ऐसा मानना भी चाहिए। और दूसरी तरफ जब लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं या फिर कोई पावर दिखाते हैं, जैसे कि सुबह में एक बाइट में हमने आपको उनके जो बेटे थे एंडी नाम के, उनका कहना था कि आप जाइए IC साहब बैठे हुए, आप उन्हीं से पूछिए, तो ये कुछ मसला समझ नहीं आ रहा है। इसके अपडेट्स हम आपको आगे लगातार देते रहेंगे। भक्ति नगर थाना से नेहा गुप्ता, SK Live। अगर आप है खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदम तल्ला माटीगारा सिलीगुड़ी, सालबारी सुखना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002299606 अथवा 8695149676। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूँगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूँगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए
सोमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी। के तपाई एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइफ 24 घंटा न्यूज चैनल द्वारा यहाँहरु समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौं। यहाँहरुले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरुको भिडियो आफ्नो मोबाइल द्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरु मध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरुलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड सम्बर्द्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ वाट्सएप नम्बर 7432944774।